नमस्कार, आपका स्वागत है प्रेरणा समाचार में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। वनवासी कल्याण केंद्र ने मातृशक्ति सुहागिन भोज और कन्याओं का गौरी पूजन कर समाज को दिया समरसता का संदेश। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट के माणिकपुर स्थित वनवासी कल्याण केंद्र ने महिलाओं के सम्मान में अनूठे वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें परिवार प्रबोधन गतिविधि एवं समरसता को मूल रखते हुए 5100 महिलाओं को मातृशक्ति सुहागिन भोज कराया गया। आयोजन में 108 कन्याओं का गौरी पूजन भी किया गया। सुहागिन भोज व गौरी पूजन कार्यक्रम में समाज की सुहागिनों व कन्याओं को बुलाया गया था। ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन क्षेत्र के आदिवासी व उपेक्षित वर्ग को समानता का अधिकार देने व उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का एक प्रयास है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर आए विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अमरीश जी ने कहा कि विश्व के कल्याण की यदि कोई कामना करता है तो वो सिर्फ भारत देश है, जहां की संस्कृति की चर्चा पूरे विश्व भर में रहती है। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेवा भारती कार्यकर्ता लीनू ने दिया बलिदान। जब से केरल में जल प्रलय शुरू हुई है, सेवा भारती के स्वयंसेवक लगातार सहायता व बचाव कार्यों में जुटे हैं। सेवा भारती के बचाव दल के सदस्यों ने कई लोगों की जान बचाई है। कोझिकोड में चेरुवनूर के बचाव कार्यों में सेवा भारती कार्यकर्ता लीनू ने बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में अपने जीवन का बलिदान तक दे दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जब बाढ़ के पानी में लीनू का घर बह गया तो लीनू के पिता, माता और उसके भाई बहनों को चेरुवनूर सहायता शिविर में भेज दिया गया। लेकिन 34 वर्षीय लीनू के मन को विनाशकारी बाढ़ में फंसे लोगों की चिंता सता रही थी, लिहाजा लीनू ने सहायता शिविर में न रहकर उन अन्य लोगों की मदद करने का विकल्प चुना जो बाढ़ के पानी से घिरे अपने घरों की छतों से मदद की गुहार लगा रहे थे। बचाव कार्य में लगे रहने के दौरान लीनू किसी तरह बाकी समूह से बिछड़ गए। घंटों खोजने के बाद लीनू मिले तो उनका शरीर बेजान था। लोगों की रक्षा करते करते उन्होंने कब अपने प्राण तज दिए ये किसी को नहीं पता। उनके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए राहत शिविर में लाया गया, जहां उनके माता पिता और भाई बहन शव को देखकर टूट गए। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि जिस बेटे को कुछ घंटे पहले दूसरों की जान बचाने के लिए भेजा था वो अब कभी लौट के नहीं आएगा। पंजाब प्रांत संचालक का बयान, दिल्ली में रविदास जी का मंदिर गिराया जाना वेदनाजनक तथा असहनीय। दिल्ली के तुगलकाबाद में श्री गुरु रविदास महाराज जी के मंदिर को गिराए जाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पंजाब प्रांत संचालक सरदार बृजभूषण सिंह बेदी ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के आराध्य श्री गुरु रविदास जी के भव्य मंदिर को गिराया जाना अत्यंत वेदनाजनक तथा असहनीय है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के निर्णय की आड़ में श्रद्धालुओं की भावना को आहत करते हुए तथा श्रद्धालुओं को मान्य अन्य किसी भी विकल्प का विचार किए बिना प्राचीन मंदिर को गिरा दिया जाना सामाजिक सौहार्द तथा शांति के लिए गंभीर संकट खड़ा करने वाला प्रसंग है। श्री बेदी ने दिल्ली सरकार एवं केंद्र सरकार से करोड़ों हिंदुओं की भावना को ध्यान में रखते हुए तुरंत एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर इस पीड़ादायक स्थिति से श्रद्धालुओं को बाहर निकालने हेतु सभी आवश्यक कदम बिना देर किए उठाने की अपील की है। साहस, सेवा, त्याग और कर्तव्य पालन की प्रेरक अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि आज। प्रजावत्सल अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई सन 1725 को महाराष्ट्र के ग्राम छौंदी में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। इनका विवाह इंदौर राज्य के खंडेराव होलकर से हुआ था। खंडेराव भरतपुर पर आक्रमण के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए। कुछ समय बाद जब मल्हार राव का भी निधन हो गया तो रानी अहिल्याबाई ने राज्य का शासन भार संभाला। आदर्श शासक, बहादुर योद्धा और कुशल तीरंदाज अहिल्याबाई ने कई युद्धों में अपनी सेना का नेतृत्व किया और वीरता के साथ लड़ी। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा हेतु अनुशासित सैनिक तथा महिला सैन्य टुकड़ियां बनाई, जिनको यूरोपीय और फ्रांसीसी शैली में प्रशिक्षित कराया गया। मातृभूमि की सच्ची सेविका अहिल्याबाई होलकर ने कलकत्ता से बनारस तक की सड़क, बनारस में अन्नपूर्णा का मंदिर, सोमनाथ में शिवजी का मंदिर, गया में विष्णु मंदिर और मुस्लिम शासन में कई बार तोड़े गए विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। उन्होंने मुख्य तीर्थ स्थानों पर धर्मशालाएं, घाट, कुओं और बावड़ियों का निर्माण करवाया, मार्ग बनवाए, भूखों के लिए अन्य क्षेत्र खोले, शास्त्रों के मनन चिंतन और प्रवचन हेतु मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति कराई। उन्होंने साहित्यकारों, गायकों व कलाकारों को भी सहारा दिया।
राज्य की चिंता का भार और उस पर प्राणों से भी प्यारे परिवारजनों का वियोग, इस सारे शोक भार को अहिल्याबाई का शरीर अधिक समय तक नहीं संभाल सका और 13 अगस्त सन 1795 को 70 वर्ष की आयु में उदार देवी अहिल्याबाई होलकर की जीवन लीला समाप्त हो गई। आज के समाचार में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।